नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तराखंड के लाल लक्ष्य सेन ने किया कमाल तो पूरे देश में अब खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है और उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल है। जी हां, पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है और एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में उन्होंने सेमीफाइनल का सफर अब तय कर लिया है और बस एक जीत दूर है और भारत का एक मेडल लक्ष्य सेन तय कर देंगे। जी हाँ, लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक की पुरुष सिंगल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने चीनी ताइपे के चोउ टेनियन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से हरा कर ऐतिहासिक कारनामा किया। उनसे पहले ओलंपिक्स के इतिहास में कोई भारतीय खिलाड़ी पुरुष सिंगल के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा था। आपको बता दें कि ओलंपिक्स 2024 में अब लक्ष्य ही बैडमिंटन में भारत की आखिरी पदक की उम्मीद बचे हुए हैं और वो ये पदक पक्का करने से महज बस एक कदम दूर हैं। अगर लक्ष्य सेन केवल एक जीत और दर्ज करते हैं तो वो भारत के लिए एक पदक कंफर्म कर देंगे, जिसके बाद अब लक्ष्य सेन की सभी तारीफ कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि पिछले 3 ओलंपिक से लगातार भारत बैडमिंटन में पदक जीतता रहा और अब लक्ष्य सेन ही इस परंपरा को जारी रखने के बेहद करीब पहुंचे हैं। 2012 लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 16 में रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने सिल्वर और सिंधु ने ही 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। बैडमिंटन में भारत की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब लक्ष्य सेन की है और लक्ष्य सेन पहले ऐसे पुरुष बैडमिंटन प्लेयर होंगे एकल स्पर्धा में जो ये कारनामा करेंगे। इसीलिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य सेन की खूब तारीफ की है। दरअसल लक्ष्य सेन उत्तराखंड से ही आते हैं, अल्मोड़ा से आते हैं और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पेरिस ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में अपने ही देवभूमि से आने वाले लक्ष्य सेन की तारीफ करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड के सपूत लक्ष्य सेन को पेरिस ओलंपिक 2024 की बैडमिंटन पुरुष एकल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हार्दिक बधाई। लक्ष्य नया इतिहास स्थापित करते हुए बैडमिंटन ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। आगामी सेमीफाइनल मैच के लिए अनंत शुभकामनाएं। तो कुछ इस तरीके से लक्ष्य सेन को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और उनकी तारीफ की है और उन्होंने कामना की है कि वो शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मेडल जिताएं। आपको बता दें कि लक्ष्य सेन इस पूरे पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके तमाम शॉट्स की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से वो अपने विपक्षी को मुकाबले में हरा रहे हैं उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लक्ष्य सेन का सफर आगे कहाँ तक जाता है। क्या लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, सिल्वर जीतते हैं या फिर ब्रॉन्ज मेडल उनके खाते में आता है। फिलहाल अभी एक जीत चाहिए तो ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाएगा। उसके बाद अगर लक्ष्य सेन अगला मुकाबला जीतते हैं तो फिर वो अपने मेडल का रंग भी बदल सकते हैं और भारत को वो ऐतिहासिक जीत दिला सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स में। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है और प्रार्थना की है कि लक्ष्य सेन का सफर शानदार तरीके से आगे बढ़े और वो भारत का नाम रोशन करें। बहरहाल इंतजार कीजिए और लक्ष्य सेन को सपोर्ट कीजिए और इस खबर पर अपनी राय भी रखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।